छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस पर किसानों की सियासत करने का आरोप लगाया है। संदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को अब तक फसल बीमा की अधिसूचना नहीं दी, इसके साथ ही अंशदान से बचने के लिए किसानों का नुकसान करने की बात भी कही है। हमारे फसल बीमा का अधिसूचना छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जारी नहीं किया है। जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं को यह राज्य जो है घोषित नहीं कर रही है, केवल अपने अंशदान से बचने के लिए। और ऐसा करके प्रदेश के आम जनों का, किसानों का, गरीबों का घोर जो है नुकसान करने पर यह सरकार आमादा है। इसी तरह से इस सरकार ने पिछले जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उन खरीफ की फसलों की फसल कटाई प्रयोग की भी कोई रिपोर्ट आज तक जो है सार्वजनिक पटल पर नहीं आया है। इसके कारण खरीफ की फसल के जो बीमा मिलना चाहिए किसानों को, खास करके जो चना की फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका भी लाभ प्रदेश के किसानों को नहीं।